देखिए ईवीएम पर सियासी तकरार किस तरीके से हो रही है उसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और काउंटिंग का इंतजार, उसी बीच में ऐसी तस्वीरें झांसी बांदा बुलंदशहर इटावा की तस्वीर है जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, प्रत्याशी सब जुटे हुए हैं, पहरेदारी में लगे हुए हैं और ये डर है, ये आशंका है और ये शक है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो ईवीएम में छेड़खानी करवा सकती है और इसीलिए खुद पहरेदारी शुरू कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये अलग अलग जगहों की चार तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी और लगातार हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विवेक लगातार बने हुए, नीतीश भी लगातार हैं, रतीश भी हैं और सनुज भी आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर। कानपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, रतीश वहां से लगातार बने हुए हैं। रतीश, अब वहां पर क्या लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि बवाल वहां पर भी शुरू हो, क्योंकि एक दो जगहों से खबरें या फिर आवाजें ऐसी सुनाई दे रही है कानपुर से भी कि कुछ गड़बड़ी वहां पर की जा रही है ईवीएम में बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ये आशंका व्यक्त की जा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ईवीएम को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसको निरामूल साबित करने के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार विजिलेंस है, लगातार सतर्कता बरती जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से और अन्य दलों की तरफ से। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो 165 कैमरे नौबस्ता गल्ला मंडी जहाँ पर काउंटिंग होनी है वहाँ पर लगाए गए हैं, 85 कैमरे बाहर लगाए गए हैं और इनका इनपुट दिया जा रहा है ताकि सभी राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं उनको आश्वस्त कर लिया जाए कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है और गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सुरक्षा के भी इंतजाम काफ़ी ज़्यादा हैं, 3 लेयर्स सुरक्षा है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई, यानी स्ट्रांग रूम तक किसी को आसानी से जाने की इजाजत नहीं होगी, कोई यहाँ से जा नहीं सकता और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी अगर नजर आती है तो उसको बात कीजिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो बसपा के कार्यकर्ता वहां पर है उनसे बातचीत कीजिए, क्या आपत्ति है उनको जानिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब एक मिनट रुकिए, ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ पर? सर हम लोग तो कल रात से हैं यहाँ पे। अच्छा। और पूरी तरह से जग के पूरी निगरानी कर रहे हैं। जैसा कि अखिलेश यादव जी का बोला गया था कि एग्जैक्ट पोल जहाँ जहाँ है अपना जो भी ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उसको रात भर जग के और पूरी तरह से निगरानी पे। अच्छा, आप क्या निगरानी आप लोग रात भर से कर रहे हैं? कोई देखिए निगरानी में कोई कुछ लगा कि आपको गड़बड़ी हो रही है? नहीं, कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी आपको यहाँ पर? अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती हुई नहीं दिखी है, हम लोग पूरी रात से नजरें गड़ाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रांग रूम की तरफ कोई जाता आता कुछ इस तरीके? कोई नहीं जाता, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पूरी रात जितने भी समाजवादी सिपाही हैं ये सब प्रत्येक गाड़ियों को खोल खोल करके चेक करके आगे जाने की। अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था कि एक पोस्ट ऑफिस है नवस्था गल्ले मंडी के अंदर, वो गाड़ी आई थी और पोस्ट लेकर के आई थी, उसे भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की तरह बिल्कुल एक एक चीज चेक करके आगे जाने दिया, यानी पूरी तरीके से विजिल है तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। ये आशंका भी है कि ईवीएम विभिन्न जनपदों में गड़बड़ी की आशंका के चलते समाजवादी पार्टी के जो सिपाही हैं वो लगातार डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी होने नहीं देंगे। देखिए सतीश, वो सनुज भी लगातार बने हुए हैं, सनुज का भी रुख करेंगे मेरठ से, वो हर एक जानकारी आपको